भारत में चुनावी मौसम चल रहा है और इस मौसम में राजनीतिक दलों में काफी गहमा गहमी भी नजर आने लगी है। पैसों का लेन देन हो, प्रचार पर भारी खर्चे हो या फिर उम्मीदवार के लिए कथित करप्शन की बातें, भारत की आम जनता बखूबी इन बातों को समझती भी है, जानती भी है। लेकिन जो सबसे अहम घटना सामने आई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो चुनावी बॉन्ड के खिलाफ याचिकाओं पर लोकसभा के चुनाव 2024 से पहले फैसला सुना देगी। कोर्ट ने कहा है कि वो मामले में 31 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगी। मंगलवार को भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने शुरुआती दलीलें सुनी और इस पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि प्रारंभिक दलीलें याचिकाकर्ता के साथ साथ भारत के अटॉर्नी जनरल एजी की ओर से भी दी गई हैं। इस सुनवाई में अहम बातें सामने आई हैं कि राजनीतिक दलों की जो गुमनाम फंडिंग है इसने नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन किया है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। ये भी दलील दी गई है कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक पहलू है। लेकिन क्या ये भारतीय लोगों को वाकई हासिल हो पा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जी हाँ, खुलेगा चुनावी बॉन्ड का राज और क्या करप्शन पर सुप्रीम तलवार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए चलाई जाने वाली है और कई सवाल इस स्थिति से निकलकर सामने आते हैं जो कि हम चाहते हैं कि स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने जरूर रखे जाए। और आज के ये जो सवाल है चुनावी बॉन्ड से संबंधित, ये सवाल कहते हैं कि क्या चुनावी बॉन्ड करप्शन का सबसे बड़ा स्रोत जरिया बन चुका है? इस कथित करप्शन का सबसे बड़ा लाभ आखिर बीजेपी को ही कैसे मिल गया है? एक बहुत प्रबल प्रश्न जनता के सामने उठ रहा है और ये सवाल भी कि क्या चुनावी बॉन्ड मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया बन गया है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड में इस तरह के सेटलमेंट्स हैं कि ना ही जो दान देने वाला है ना ही जो दान हासिल करने वाले हैं, सब कुछ गोपनीय है। क्या इससे मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिला है? और एक सवाल ये कि कॉरपोरेट्स जो हैं उनका और राजनीतिक दलों के साथ जो एक साठगांठ वैसे तो शुरुआती दौर से ही राजनीति में देखने को मिला है, लेकिन अब ये जो चुनावी बॉन्ड है क्या इस साठगांठ को और ज़्यादा मजबूत बना चुके हैं? और क्या आम आदमी पार्टी का जो केस चल रहा है, ईडी की जो कार्रवाई चल रही है, वो बीजेपी के लिए भी मुसीबतें खड़ी कर देगी? क्या शराब घोटाले में आपको जो मिली कथित रिश्वत है ये सभी राजनीतिक दलों के करप्शन को एक्सपोज कर देगी? ये इस तरह का एक नमूना बन जाएगी, नाजीर बन जाएगी। हमारे साथ इस बहुत ही महत्वपूर्ण मसले को समझने के लिए एक बेहद ही विशिष्ट पैनल जुड़ा हुआ है। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं आलोक भदौरिया जी। आलोक सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ कानूनी मामलों के जानकार और सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट अजय जग्गा जी भी जुड़ चुके हैं। अजय जग्गा सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप स्ट्रेट टॉक में आपने समय निकाला और हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक सर, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब ये जो याचिकाएं हैं इस पर शायद 31 अक्टूबर पर जो सबकी उम्मीदें या फिर जो है नजरें टिकी हुई हैं, क्या लगता है कि क्या होने वाला है जिससे जो भारत की राजनीति ही है उसमें ही काफ़ी एक बड़ी हलचल पैदा हो जाएगी, अगर जिस तरह से रुख देखने को मिला है या फिर बीजेपी के लिए ये एक शिकंजा भी बताया जा रहा है? आप किस तरह से आंकते हैं इस चुनावी बॉन्ड पर चल रही सुनवाई को लेकर? धन्यवाद नेहा जी। पहला मेरा मानना है कि ये मामला चूंकि सब जुडिस है इसलिए हम सीधे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। दूसरा मेरा एक मानना है कि ये सरकार की जो मौजूदा निजाम है उसकी एक आदत बन चुकी है, इसकी एक फितरत है, वो सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाती है तो वहां पे ये बात उठती है। तो अभी हमारे जैसे चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि माइक्रो मैनेजमेंट की आप हमसे क्यों उम्मीद कर, सुप्रीम कोर्ट इस काम के लिए नहीं है। ये टेक्निकली दूसरे संदर्भ में उन्होंने कहा। अब जहां तक हम अपने लौट के आते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड में सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत? पार्टी विद द डिफरेंस का नारा लगाकर जो सत्ता मिलने वाली है वो क्यों नहीं बताने है? उसको बताने में आखिर क्या दिक्कत है कि किस कॉर्पोरेट से हमको फंड मिला? आप तो चुनावी बॉन्ड की बात करते हैं। मैं तो कहूंगा कि पीएम केयर, जिस समय भारत में सबसे ज्यादा महामारी फैली थी, वेंटिलेटर की जरूरत थी, दवाओं की जरूरत थी, वैक्सीन की जरूरत थी, अस्पतालों का बुरा हाल था, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, और कुछ कॉर्पोरेट ने अगर हमको दान किया पीएम केयर फंड में, तो हम उसकी ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं चाहते? हमको बताने में क्या दिक्कत है कि कौन सा ये देश हमारा ऐसा है कि जिसमें कर्ण के जिक्र किया जाता है? कर्ण ने तो अपने वो कवच कुंडल सब उठा करके दान में दे दिए थे। एक बिहार में हमारे सम्राट हर्षवर्धन थे,
वो भी सब पूरा का पूरा दान कर देते थे कि देश तो उन परंपराओं का है, ये दधीची थे, दधीची ने अपनी हड्डियां तक दान कर दी थी। तो सवाल है कि जब इस देश में जब ये परंपराएं रही हैं तो आप छुपाना क्यों चाहते हैं? तो छुपाने से ही एक शक पैदा होता है। तो जहां तक आपका ये मानना है कि इलेक्ट्रोनल बॉन्ड से ही काला धन या इस तरीके का प्रभाव होता है, मैं इस चीज को आंशिक तौर पे सच मानता हूं, पूरा नहीं होता। क्योंकि चुनाव कभी भी जो चेक से जो पेमेंट आता है या जो चेक से पेमेंट दिया जाता है, चुनाव हमेशा उसी से ही नहीं लड़ा जाता। चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने एक खर्च की सीमा तय कर रखी है, और मेरा मानना है कि उस तर्क में, और मैं नहीं, सारे पत्रकार और सब ये मानते हैं, इवन कि एडीआर भी मानता है कि वो जो निर्धारित चुनावी खर्च की सीमा है उससे कहीं ज्यादा खर्च होता है। मेरे पास इस समय एडीआर के आंकड़े नहीं है, शायद अगर मिल जाए तो मैं देखूंगा। जी, तो मेरे पास है, और इसमें है कि जो 6 साल का एक क्रूशियल पीरियड है, जो रिपोर्ट कहती है कि लगभग 9,000 से ज़्यादा का जो है, 9,751 करोड़ का जो है ये चुनावी बॉन्ड खरीदे गए, और उसमें से जो 52% से भी ज़्यादा जो बॉन्ड है वो बीजेपी को डोनेट की गई। तो ये सीधे सीधे है कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। उसके बाद जो दूसरे नंबर की पार्टी है वो है कांग्रेस, जिसे 952 करोड़ समथिंग जो है वो अमाउंट इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हासिल हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है सबसे जो बड़ी बेनिफिशियर के रूप में जो है बीजेपी निकलकर सामने आती है। तो कहीं ना कहीं ये शक पैदा होता है कि पैसा कहां से आया, पैसा किसे मिला, और ये कैसा पैसा था, ये भी बात सवाल उठना लाजमी है सर, कि ये पैसा कैसा था, क्या ये काला धन तो नहीं है? जनता के पास जो है, जनता को जानने का अधिकार है कि जो उसके देश में जो पैसे का लेन देन हो रहा है, और ये कोई मामूली 1-2 करोड़ की बात नहीं है सर, ये तो 9,000 करोड़ जैसी रकम है। बात आपकी सही है, जनता को जानने का अधिकार है, और सूचना के दौर में जो जितना इन्फॉर्म्ड रहेगा वही वो सही तरीके से फैसले ले पाएगा, अपने प्रतिनिधियों को चुनने का भी फैसला ले पाएगा, ये बहुत जरूरी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये परिपाटी बदल गई, अब ये व्यक्तिपरक पार्टी हो गई है भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले ये दोष कांग्रेस में था, अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ चुका है। तो अब सवाल ये है कि जनता तो कई मोर्चे पे महरूम, उसको तमाम चीजों की जानकारी नहीं हो पा रही है, वो कितना जरूरी है। अब आप देखिए, स्विस बैंक ने 5वीं सूची कल जारी करी है, भारत सरकार को दी है। क्या आपको पता है कि पहली सूची में किसका नाम है? नाम देने में क्या दिक्कत है? क्या दूसरी सूची में आपको पता है? क्या आपको ये पता है कि पनामा के जो लीक पेपर आए थे उनमें क्या हुआ? क्या आपको ये पता चला है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें शेल कंपनियों का जिक्र था? क्या आपको OCCRP की ये रिपोर्ट का हवाला था जिसमें उन्होंने अल्टीमेट बेनिफिशियरी तक के नाम दिए थे, दो नाम थे, सुमान अली और दूसरा वो चैंगुंग लिंक का भी? तो जब आपके पास सारी चीजें हैं तो भी आप जांच नहीं हो पा रही है, ये चीज एक ज्यादा दिक्कत वाली है। और इसके लिए मेरा मानना है, हर काम के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को दोषी नहीं मानता, तो सुप्रीम कोर्ट को ऊपर जिम्मेदारी थोपना गलत चीज है, एग्जीक्यूटिव को भी लेना चाहिए। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एक हफ्ते पहले आप अजीत पवार को बारे में टिप्पणी करते हैं सभा के अंदर, और एक हफ्ते के बाद वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो सवाल ये है कि बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेते हुए होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, और शिक्षा भी बहुत जरूरी है। अगर लोग शिक्षित होंगे तभी वो सही करते हैं। जी, तो अजय जगह सर, मैं ये समझना चाहूंगी कि इन चुनावी बॉन्ड पर जब से ये सिस्टम लागू हुआ, जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई, तब से लगातार जो सवाल खड़े किए प्रशांत भूषण जी ने, और ये याचिकाएं, ऐसा तो है नहीं कि आज से ही लंबित है, ये 2017 के बाद से लंबित है, अब जाकर ऐसा लग रहा है कि CJI की नजर में आया है कि कहीं ये करप्शन का अड्डा तो नहीं है, या फिर ये जो चुनावी बॉन्ड के नाम पर जो लेन देन चल रहा है, जो एक साठगांठ दिख रही है राजनीतिक दलों और कॉर्पोरेट्स के बीच में, ये कहीं लोकतंत्र को ही तो नुकसान नहीं पहुंचा रही है? क्योंकि अगर चंदा दिया जाता है तो उस चंदे के बदले में क्या? ये बहुत एक गंभीर प्रश्न है जो कि मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, और कुछ गंभीर निकलकर शायद नतीजे सामने आ सकते हैं। आप किस तरह से देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, और जनता के अधिकार के प्रति आपकी क्या राय होगी, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और जब लोकतंत्र की बात आती है, जनता के अधिकारों की बात आती है, तो चुनावी बॉन्ड पर पैदा हो रहा ये संदेह जो है अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है सर। नेहा जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो ये जो बॉन्ड्स हैं, ये जब देश में इंट्रोड्यूस किए गए तो उस समय शायद अरुण जेटली जी ने कहा कि देश के अंदर जो कैश डोनेशन है इसके ऊपर एक रोक लगनी चाहिए,
और सारा का सारा पैसा थ्रू बैंकिंग चैनल आना चाहिए। ये एक ऐसी सोच थी जिसमें शायद सभी लोग सहमत थे, आई मीन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसको एग्री करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड मनी बिल ये आया, बीच में रह गया। अब 2017 18 19 ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट आ गई। 31 अक्टूबर को वो सुन रहे हैं। सीजीआई ने कहा कि अगर स्पिल ओवर कर जाएगी तो 1 नवंबर को भी सुनेंगे। सुनेंगे। जी, मैं समझता हूं नंबर 1 जो आलोक जी ने कहा कि मैटर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और उन्होंने इस पर फैसला देना है, तो इसमें बहुत ज्यादा जो टेक्निकली है या ऑन मेरिट जो है वो नहीं रहेगा। लेकिन यस, चर्चा के लिए इसमें बताऊंगा, 2019 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक एफिडेविट, जो हल्फिया बयान एफिडेविट है, वो फाइल किया। उसने ये कहा कि कैश तो बंद हो गया, जी लेकिन इस सिस्टम के अंदर जो एक ओपेकनेस है या जो अपारदर्शिता है वो उनको नजर आई। उन्होंने जी लिखा कि अपारदर्शिता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो भी व्यक्ति बॉन्ड लेकर बॉन्ड देता है उसको इनकम टैक्स के अंदर एक एग्जम्पशन मिलती है, ATGG या TGGC करके। तो जी अगर हम आर्टिकल 14 की बात भी की गई है सुप्रीम कोर्ट में, राइट टू इक्वालिटी की, तो जब आप किसी भी संस्था को कोई डोनेशन देते हैं और आपको ATG मिलता है, तो आप देखेंगे जब हम ITR भरते हैं, बिकॉज मैं पर्सनली उस पर काम करता रहा हूं, तो इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हैं और जब ATG की डिडक्शन हम क्लेम करते हैं, उस समय हम ये देते हैं कि इस डोनेशन को मैंने किसको दिया, मतलब पीएम केयर फंड है, पीएम रिलीफ जो भी है। उसके बाद मैं कहता हूं मेरा पैन तो ये है, उसका पैन ये है, और उसका नाम आ गया, पैन आ गया, तब जाकर मुझे 80G की जो एग्जेम्पशन है मिलेगी। अगर मैं रिसीवर की डिटेल्स नहीं डालता, देन आई कैन नॉट क्लेम ए एग्जेम्पशन, हमें इनकम टैक्स से छूट नहीं मिल सकती। जी अगर मैं इसे एक प्रिंसिपल मानकर चलूं कि डोनेशन के ऊपर प्रिंसिपल ये बनाया गया कि जिसको मैं डोनेशन देता हूं उसकी डिटेल मुझे ITR में देनी है, तो फिर ये जो करंट स्थिति है इसमें और आर्टिकल 14 में आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर हमें इसको इवन रखना है तो इसको पारदर्शिता होनी चाहिए, ऐसा लगता है। जी दूसरा ये है कि जिस देश के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर उनमें ये एक, मेरा मानना यह है कि आलोक जी की बात भी ठीक है कि हर बात सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, अगर सभी पार्टी इस चीज पे एग्री करती है कि जी ठीक है इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आई थिंक उसको मानने में कोई आपत्ति नहीं होती। ये जब पॉलिटिकल क्लास टोटल एग्री करती है, आप उनका पॉलिटिकल क्लास को जो डिसीजन है वो एग्री करते हैं, एक्सक्यूज मी माई बैटरी वॉज गोइंग डाउन, जी तो आपको इसके ऊपर एक कॉमन डिसीजन पॉलिटिकल पार्टीज को खुद बनाना चाहिए। देयर इज नो नीड ऑफ गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट एंड पेंडिंग फॉर 6 मंथ। सुप्रीम कोर्ट की विजडम पर किसी को शक नहीं है, हम जानते हैं हमारे न्यायाधीश जो हैं वो पूरे दे आर फुल ऑफ विजडम, लेकिन ये एक ऐसा फैसला है जो राजनीतिक पार्टी या पॉलिटिकल फैमिली या जो भी ये लोग हैं, दे कैन सिट टुगेदर एंड टेक अ डिसीजन। अभी हमने आपने देखा होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के चक्कर में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नोटिस दिया देश के अंदर कि क्या आप यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं और उसके बारे में आपके क्या विचार है, आप दीजिए। वो 30 दिन तक चला, जी फिर आगे चला, और हमने कहा जी 1 करोड़ के करीब हमको व्यूज आए। मैं कहता हूं ऐसा, मेरी ऐसी सोच है कि ऐसा इलेक्शन कमीशन कर सकता था, लोगों से राय मांग सकता था कि जी आप बताइए क्या होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी आपस में बैठ के बात कर सकती हैं, और अगर उसमें मेजोरिटी कहती है कि जी इसको दिखाना चाहिए और उसमें कुछ, आई मीन देयर शुड बी नो हाइडिंग,
जो बात आपने जो मसला यहाँ पे उठाया कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, क्या उसको नहीं पता है कि चुनाव के दरमियान जो इतने चुनावी बॉन्ड खरीदे जाते हैं और जो अमाउंट है वो हजारों करोड़ों में सामने आ रही है, तो फिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है? ये तो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के ही विपरीत जो है काम हो रहा है, सब कुछ गोपनीय तरीके से हो रहा है। कौन बेनिफिशियरी है, किसको उसके बदले में क्या मिल रहा है, ये तो सब चुनाव आयोग के दायरे में आना चाहिए। आलोक सर, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जिस नेक्सस को तोड़ने की बात होती है, जिसके लिए जो मोदी सरकार कहती है कि ईडी, सीबीआई, इन सब तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों की जो है जिम्मेदारी कहा जाता है कि पहले से दोगुनी चौगुनी हो गई है, लेकिन जब राजनीतिक दलों का ये साठगांठ दिखता है कॉरपोरेट्स के साथ और फिर बात आ जाती है चुनाव आयोग की जिम्मेदारी की, उसकी जो है उसके कार्यक्षेत्र की, तो फिर कहाँ जो जनता है वो किससे न्याय की या फिर निष्पक्षता की आस लगाए? देखिए, निष्पक्ष होना अच्छी बात है, लेकिन निष्पक्ष दिखना ये उससे ज्यादा जरूरी है। जी, तो हमारे चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा, मैं उनको चूंकि संवैधानिक संस्था है तो मैं तो ये तो नहीं मानता कि वो निष्पक्ष नहीं है, लेकिन क्या वो निष्पक्ष दिख रहा है ये ज्यादा महत्व। अगर साहब भी बताएंगे कि जैसे वो जस्टिस का भी है, जस्टिस होते हुए भी दिखना चाहिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण। तो ये सभी संस्थाओं के ऊपर भी लागू होना चाहिए। आज ये है कि हमने बीजेपी को निशाना बनाया है, बीजेपी को निश्चित तौर पर निशाना बनाने लायक मुझे भी है क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोल फंडिंग उसी के पास में हुई है, लेकिन क्या वो दूसरी पार्टियां जब सत्ता में आएंगी तो क्या उनके पास में नहीं आती है? क्या अगर आप, मुझ पर एक चीज ये लगती है कि आप एक ये चौकीदारी क्यों करना चाहते हैं, एक छोटी सी विंडो क्यों खोलना चाहते हैं? भाई मेरी एक कंपनी है, मैं कोई दान देना चाहता हूँ, इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद कर देना चाहता हूँ, मैं तो साल भर दे सकता हूँ ना, आपका प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों चाहते हैं कि एक छोटे से पीरियड में एक दरोगा को बिठा दिया? दरोगा मतलब एक इंस्पेक्टर राज, ये वो बैठ गए 15 लोग बैठ गए, ये 20 दिन में देखो कौन सा पैसा आया, किसके पास आया, स्टेट बैंक के, और स्टेट बैंक की क्या सरकार को बिल्कुल जानकारी नहीं देगा? मान लेते हैं, हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं, लेकिन क्या ऐसा होगा? होता है, मुझे इस पर थोड़ा सा शक है। दूसरी बात, हम हर चीज में देखिए, आपने केवल बात करी इलेक्ट्रोनल बॉन्ड की, मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रोनल बॉन्ड से थोड़ा हमको सो पीछे भी लौटना चाहिए। देख, हमको ये भी लौटना चाहिए कि हमने जो कॉर्पोरेट टैक्स में जो 1,45,000 करोड़ की हर साल की जो छूट थी उसका क्या हुआ। हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा जो एनपीए पिछले 7-8 सालों में 15 लाख करोड़ रुपए तक हो गया है, और उसमें से हमारी वसूली कितनी हुई है? केवल और इतना भी नहीं है कि वो छोटी मोटी नीडल है, मुझे तो लग रहा है कि वो भाला टाइप का मामला है कि कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे है। लेकिन सवाल ये है कि जनता किसके आधार पर चुनती है, इसीलिए मैंने पिछले हफ्ते राहुल में कहा था जनता को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, जनता को मालूम होना बहुत जरूरी है कि ध्रुवीकरण से इलेक्शन नहीं जीता जाता। आप चुनाव के समय में 500 रुपए का सिलेंडर या 600 रुपए का सिलेंडर करके नहीं होता है। आखिरी 3 महीने के अंदर क्यों इतना ज्यादा उद्घाटन की और लोकार्पण की बाढ़ आ जाती है? मध्य प्रदेश में तो ऐसे लोकार्पण और बाढ़ आए हैं, मतलब लोकार्पण की बाढ़ आई है कि वो तैयारी नहीं हुए, मेट्रो तक नहीं चलने का पता है, लेकिन आपने लोकार्पण कर दिया। तो इस तरीके की चीजें कोई चुनाव आयोग ही इसको नहीं कर सकता है। और मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रोनल बॉन्ड से भी ज्यादा एक चीज और मुझे जरूरी लगती है, मैं इसलिए कह के मैं खत्म करूंगा। मुझे ये लगता है कि आप चुनाव आयोग को ये भी एक तय करना चाहिए कि अगर जिस राज्य में चुनाव है केवल वहीं पर लोकल टीवी टेलीकास्ट होगा, दूसरे क्षेत्र का टीवी टेलीकास्ट नहीं होगा, क्योंकि ये चुनाव तो मूल सिद्धांत है, मूल सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है। लेकिन सर, 48 घंटे पहले बंद हो जाना चाहिए। लेकिन सर, पिछले चुनाव में हमने ये देखा, कर्नाटक के चुनाव में देखा कि चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई समन नहीं भेजा। हमने खुद देखा कि प्रधानमंत्री की रैली को राजस्थान में दिखाया गया, तो इस तरह की बातें तो हम देख रहे हैं किस तरह से चुनाव आयोग नहीं होने चाहिए। और एक मेरे को एक और होने चाहिए, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, या इधर आप एक इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए कि आप ये 4 राज्यों में आप 1 तारीख को इलेक्शन नहीं कर पा रहे, फिर आप बात करते हैं कि हम केंद्र के स्तर पर हम 500 सीटों पर चुनाव करना चाहते हैं, तो ये कैसे है, क्या बता रहे हैं, भरमाना जा रहे हैं? एक विदेशी फंडिंग को लेकर भी एक चिंता जो है, जो भारत के सोचने वाले लोग हैं, जो भारत का हित समझते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो विदेशी फंडिंग हो रही है इस पर भी क्यों ना इस पर आवाज़ उठनी चाहिए या फिर इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। हमारे साथ अजय जग्गा जी बने हुए। अजय जग्गा जी, जब फॉरेन फंडिंग को
यहाँ पर एक कहा जाता है कि हाँ इसकी इजाज़त है कि अगर वो कंपनी जो है भारत से जुड़ी हुई है या फिर किसी ना किसी तरह से उसका कनेक्शन है तो फॉरेन फंडिंग और अगर इस तरह का यहाँ पर लेन देन है तो ये कितना खतरनाक है। देखिए, जैसे कानून के बारे में कहा जाता है कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो बी सीन टू बी डन, मतलब जब आप न्याय करते हैं तो न्याय नजर आना चाहिए। ये एक इसका उदाहरण सिंपल ये है कि एक कोई छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, उसमें किसी विदेशी कंट्री में $10 का फाइन हुआ, अपील में गया, उन्होंने $10 फाइन छोड़ दिया, लेकिन जब वो किंग्स कोर्ट में गया तो उन्होंने कहा कि ये $10 फाइन था, छोड़ दिया एटसेट्रा एटसेट्रा, तो जो किंग कोर्ट थी उसने कहा कि नो नो नो, फाइन $10 का है, मस्ट बी इम्पोज्ड, क्योंकि अगर वो नहीं लगाया जाता तो दैट मीन्स आपने जो आदमी एक्यूज्ड था उसको छोड़ दिया, और समाज में मैसेज ये जाएगा कि जो एक्यूज्ड है कानून उनको छोड़ने का काम करता है। तो वहां से ये एक मैसेज चला कि न्याय नजर आना चाहिए। अब ये जब हम इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते करते हम पहुंच गए देशी कंपनियों पर जी, अब यहां पर प्रश्न चिन्ह ज्यादा बड़ा हो जाता है कि देखिए, हर जगह ये झगड़ा रहता है कि विदेशी ताकतें जो है वो दूसरे देश के एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, डिफेंस अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर दखलंदाजी करती हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, और हमने बड़े सख्त कानून बनाए हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बनाया हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बनाया हुआ है, और उस पर बड़ी सख्त कार्रवाई होती है, इसके ऊपर अगर कोई FCRA लेना चाहता है तो IB की रिपोर्ट आती है उसमें। जब आप FCRA में लाइसेंस लेंगे कि मैंने विदेश से पैसा लेना है तो एक IB की रिपोर्ट आती है, IB ये देखती है कि ये पिछले 3 साल में इतने क्या काम करा, who were the directors, what were they doing, कहां से पैसा आ रहा था, तो वहां माइन्यूट डिटेल्स है। और इसका लार्जर जो है ना प्रस्पेक्टिव, इसके पीछे ये है, अगर आप FCRA, FEMA या ऐसी किसी और संस्था जो लीगल पोजीशन है उसमें जाए तो आपको नजर आएगा वहां ये लिखा है कि द गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर दैट नो फंडिंग इज कमिंग टू दिस कंट्री, आप टेररिज्म के थ्रू कोई पैसा तो नहीं यहां आ रहा। तो ये गैर कानूनी धन खासकर विदेशी कंपनियों से ना आ रहा हो, इस पर तो ठीक है सुप्रीम कोर्ट कर रही है, लेकिन जहां तक विदेशी धन का सवाल है वो तो 100% ही डिक्लेयर किया जाना चाहिए कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, क्योंकि ये नहीं तो कॉन्ट्राडिक्टरी विद अदर लीगल पोजीशन प्रोविजंस हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने इसके हिस्से दो कर दिए, वन इज फंडिंग विद इन इंडिया, वन इज फंडिंग आउटसाइड इंडिया। फंडिंग इंडिया पर जैसे हमने पहले कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज बैठे लोगों से पूछ ले जो मर्जी करें, जहां तक विदेशी फंडिंग का सवाल है इसको तो इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट। बिल्कुल बिल्कुल, ये सीधे सीधे देश की प्यारा है, देश के लिए खतरा हो सकता है। बिल्कुल, देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा है। आलोक सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपका इन विदेशी कंपनियों का जो कंट्रीब्यूशन है, इसे भी जिस तरह से अजय जग्गा जी कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही घातक हो जाएगा अगर इसे भी एक्सट्रीमली सीक्रेट रखा जाएगा, तो ये फिर भारत जैसे देश के लिए जो कि तरक्की के रास्ते पर विकसित देश होना चाहता है कैसे चलेगा, जो पैसा ही पता नहीं है कि कहीं ये टेरर फंडिंग का पैसा तो नहीं है, कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा तो नहीं है, या फिर अगर विदेशी धन आ रहा है तो इसके बदले भारत की सरकार से क्या जा रहा है। आलोक सर, क्या जा रहा है इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, कुछ फैसलों को जरूर इसके लेकर सामने रखा जा सकता है। जैसे कुछ साल पहले यह था कि एयरपोर्ट यहाँ पर कभी भी 2 से ज्यादा एयरपोर्ट किसी एक कॉर्पोरेट को नहीं दिए जाए। जी, आपने नीति बदल ली, आपने बढ़ा दिया उसकी संख्या, तो नतीजा हुआ क्या, आज एक व्यक्ति का पूरा मोनोपोली हो गई। तो सवाल ये है महत्वपूर्ण कि आप अगर वो कानून बदल देते हैं तो कैसे होगा। अब जैसे एक FPI का जो पैसा आता है, अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी ये चीज चर्चित हुई है, तो आपने जो एक अल्टीमेट बेनिफिशियरी का जो एक सोर्स होना चाहिए उसका खुलासा होना चाहिए, आपने वो कानून बदल दिया। अब जो अल्टीमेट अल्टीमेट बेनिफिशियरी का जो डायरेक्टर है, अगर आपने केवल डायरेक्टर का नाम लिख दिया तो भी काम चल गया, जबकि डायरेक्टर तो कोई भी हो सकता है,
ट्रैक्टर उसका प्रमोटर होना जरूरी नहीं है। तो अगर आप कानूनों में इस तरीके का बदलाव अगर करते चलेंगे तो आप ये मान के चलिए कि ये चोर दरवाजे कॉर्पोरेट और ये बाकी लोगों के लिए खुलते चले जाएंगे। और देश के लार्जर परस्पेक्ट में जरूरी ये है कि आप ट्रांसपेरेंसी रखें, बहुत जरूरी है। बिना उसके आप ये नहीं सकते कि आपका चुनाव, आपका ठीक है आप सबसे देश में दुनिया में सबसे बड़ा चुनाव आयोग है, सबसे बड़ा चुनाव करता है, लेकिन आप किस तरीके से काम कर रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आपको चुनाव आयोग पर यकीन करना चाहिए? क्या आप ये चुनाव नहीं करा सकते? क्या आपने इतने दिन का क्या किया? क्या इस देश में टीआरपीएफ भी नहीं है कि एक साथ चार राज्यों में चुनाव कर सके? ये ज्यादा बड़े सवाल है। इन सवालों को उठाना और इनके जब तक तह में नहीं पहुंचेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप चुनाव से काला धन को दूर कर पाएंगे। चुनाव से काला धन इसलिए भी नहीं दूर हो सकता, कई बार ऐसे आरोप लगते हैं कि आप किसी को खरीद लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने, जैसे कुलस्ते जैसे नेताओं ने, तो वहां पर वो नोटों का बंडल लेकर के संसद में आए थे। तो चीजें तो चलती रही है। आम आदमी पार्टी भी इस तरीके के आरोप लगाती रही है कि पैसे सर, आम आदमी पार्टी का ये जो केस चल रहा है जिसपे कहा, खुद कोर्ट ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं पार्टी बनाया गया, क्यों नहीं अक्यूज बनाया गया, क्या ये नाजीर बन सकता है तमाम राजनीतिक दलों का जो एक नेक्सस चल रहा है, कथित तौर पर मैं कहूंगी कि एक कॉरपोरेट्स के साथ नेक्सस चल रहा है और कॉरपोरेट्स को क्या फायदा पहुंचाया जा रहा है, क्या ये केस नाजीर बन सकता है? नहीं, मैं इस चीज को, इसको नजीर बनाने वाले प्रकरण से मैं सहमत नहीं हूँ। इसलिए नहीं सहमत हूँ क्योंकि आपको किसी को एग्जाम्पलीफाई करके चीजें नहीं बनती हैं, आपको रूटीन में करना पड़ेगा। अगर आप ट्रैफिक का भी काम करते हैं तो आपको रूटीन में ये चीज करनी पड़ेगी। ये नहीं कि ट्रैफिक का पखवाड़ा बना दिया तो आपका ट्रैफिक ठीक हो गया, इससे नहीं काम चलने वाला। आम आदमी पार्टी को अगर आप ये बना दें, किसी पार्टी को अगर आप बना लेते हैं, तो पार्टी में फिर कौन है, कितने लोगों को निशाना बनाएंगे? तो सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि क्या लोग जागरूक है? ऐसी जो जानकारियां नहीं देते हैं, क्या जनता उसको वोट देगी? आप ये याद करिए कि पिछले कुछ दिनों से नोटा की संख्या बढ़ रही है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये भी एक वो लोगों का अधिकार है, अधिकारों का इस्तेमाल करें। जब तक लोग अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इस देश में हम बात करते हैं कि कितने वोटर हैं, वोटर में से कितने लोग वोट देने चाहते हैं, और कम से कम एक पीस तो होनी चाहिए काला धन और ये चाहे जो भी चीजें, ये रुक जाएंगी। आप अगर पार्टी बदलते हैं, दल बदलते हैं, तो दो तिहाई वाला छोड़ दीजिए। अगर आपने दल बदला है, अंतरात्मा की आवाज है, तो आप इस्तीफा दीजिए और अगली बार फिर दोबारा चुनाव लड़के, खत्म हो गया कि आप दल बदल। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम छोटे ही संख्या में, अगर दो लोग जाते हैं तो भाई आपको तो दल बदल की तलवार लटकेगी, लेकिन अगर 20 लोग चले जाते हैं 40 में से 35 में से, तो सब आप दल बदल आपका फैद हो जाता है। इस तरीके के जो छोटे छोटे जो चोर दरवाजे हैं, जो रास्ते हैं, इनको बंद किया जाना चाहिए। कोई पार्टी वो जीत के आधार पर चुनाव लड़के जीती है, जिसके सिंबल पर चुनाव लड़के जीती है, अगर फिर बात घूम फिर के आलोक से चुनाव आयोग तक ही पहुंचती है, उसी के दरवाजे पर पहुंच रही है सारी फरियादें। जो जनता को जो एक सूचना का अधिकार मिला उसका भी उल्लंघन हुआ और भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी मिला है। हमारे साथ अजय जग्गा जी भी बने हुए हैं। अजय जग्गा जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर जनता को आरटीआई के तहत इसका सूचना का अधिकार ही नहीं मिलता है, तो ये हमारे लोकतंत्र की जो एक व्यवस्था है, जो एक कल्पना है, उसको कितना बड़ा आघात है इससे? अजय जग्गा जी, देखिए ये ना, दिस इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ इश्यूज। जैसे हम चले इलेक्टोरल बॉन्ड से, फिर हम चले कॉन्स्टिट्यूशन पर, फिर चलते चलते हम आ गए फॉरेन कंपनीज पर, फिर हमने उसके साथ इसको जोड़ दिया कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। अब इलेक्शन कमीशन का करना इलेक्शन रिफॉर्म्स है। आप कानून को जानती हैं, जो इलेक्शन कमीशन है प्रैक्टिकली वो भी कानून के दायरे में काम करता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन कोई अपना कानून नया बना रहेगा। तो ये जब जब टीएन सेशन थे, टीएन सेशन ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की कहानी शुरू करी, तो अल्टीमेटली एक बात उभर कर सामने आई कि जितने राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, इन लोगों को साथ में आकर इस इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप देश का सुधार चाहते हैं, देश की तरक्की चाहते हैं, तो करें। अब उसमें कितना सफल हो पाए, कितना नहीं सफल हो पाए, वो जानते हैं। लेकिन ये बैकडोर एंट्री करी, चलो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, और ये कहकर करी गई कि जी हम कैश को निकालना चाहते हैं। तो कैश को निकालने के नाम पर सब लोगों को सहमति हो गई कि ठीक है, अगर कैश निकलता है तो नकद निकलने से कुछ ब्लैक मनी के ऊपर रोक लगेगी।
अब सब एग्री कर गए। अब जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू आया तो आप इसमें एक बात देखे बड़ी स्पष्ट और साफ है, मेरा आपसे एक प्रश्न, आप मुझे हाँ या ना एक चीज बताइए, ये जितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं क्या इसकी जानकारी ऑफिशियल सिस्टम में है? ये तो बैंक के पास होगी। तो यू एग्री दैट दिस इज द इंफॉर्मेशन विद द बैंक्स, करेक्ट? जी। अब वेन द इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी विद द बैंक, या तो हम उसको टोटली, और अगर बैंक के पास है तो सरकार के पास भी हो सकती है, इससे कौन इनकार कर सकता है? जी। ये मैं कह रहा हूँ कि जब जब इंफॉर्मेशन आ गई, और या तो इंफॉर्मेशन होती ना, वो कहते हैं जी जो आदमी लेगा वो एनोनिमिटी पे खरीदेगा और कोई डिटेल नहीं आएगी। जब आप डाटा में तो पूरा आ रहा, जब आपने आपका बैंक अकाउंट अटैच कर दिया, नेहा जी ने 20,000 रुपए दिए, नेहा जी का अकाउंट आ गया जी SBI अकाउंट नंबर सो एंड सो या यूनियन बैंक व्हाटएवर इट इज, तो इंफॉर्मेशन तो आपकी डोमेन में चली गई, ऐसा नहीं कि इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आप उस इंफॉर्मेशन को ब्लॉक क्यों करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इससे यहीं पे कहीं ना कहीं जो है एक कोई काली सच्चाई छिपी हुई है जहां पर आप इशारा कर रहे हैं। तो मेरा मेरा यही मानना है कि अगर सब दुनिया को लगता है कि हमें ये कौन पैसा दे रहा है, किसको पैसा दे रहा है, ये ना, आप देखो काफी सारी इंफॉर्मेशन है, अभी आप आंकड़े बता रहे थे ADR के 5,270 करोड़ BJP को, क्या ये तो सामने आ ही गया? अब इनका ब्रेकअप पेंडिंग है, क्योंकि वो ब्रेकअप सीधा सीधा कनेक्ट हो जाएगा जी किसको क्या कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं और उसने कितना पैसा दिया है। दिस इज ए डेंजरस लाइन, बट मैं समझता हूँ हमारे लोग, हमारे देश में इतनी ज्यादा मैनिपुलेशन है, लोग इसे भी मैनिपुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो एक समानता का अधिकार है वो भी जो है, फिर से इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि फिर समान कहाँ है? जो कॉरपोरेट जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे या फिर जिसके लिए जिसको दान में दिए गए उसको कोई बेनिफिट मिला होगा, लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर जनता को जो है सूचना का अधिकार भी तो होना ही चाहिए सर, और ये राजनीतिक दलों को क्यों नहीं सूचता? अगर लॉ कमीशन ने UCC पर मांग लिया, मैं तो चर्चा में ही बात कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर यह चीज एक नोटिस जारी कर सकता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके ऊपर आप अपना व्यू दीजिए, एक और देश के अंदर एक और ओपिनियन आ जाएगा। सर तो सरकार तो अब जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसके जो चयन होगा उसको भी बदलने की कोशिश करे, अब एक कैबिनेट मिनिस्टर जो होगा, इस तरह का एक कानून लाया जा रहा है कि CGI को हटाकर कैबिनेट मिनिस्टर उनकी जगह पर नियुक्ति में जो है शामिल कर दिए जाएंगे, कहीं ना कहीं सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, भ्रष्टाचार पनप रहा है, लेकिन इसी बीच जिस कंट्रोल तरीके से उसको सीक्रेट रखा जा रहा है ये तो सीधे सीधे लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत दिख रहा है। मैं पता है क्या नेहा जी, आपने जो स्कोप है उसको बहुत ब्रॉड कर दिया। आप इलेक्टोरल बॉन्ड से चले, अब हम इलेक्शन जो CGI की अपॉइंटमेंट का इशू शुरू हो गया, तो ये स्कोप आपका बहुत सब ज्यादा मिले, बड़ा मिले हैं, आपस में मिले हुए, आपस में जुड़े हुए। जी जी मैं मान रहा हूँ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि मैं तो प्रिंसिपल मुद्दे पर हूँ कि ट्रांसपेरेंसी जो है उसको होनी चाहिए, लोगों के अंदर तभी कॉन्फिडेंस पैदा होगा। और ये जो बात है कि ए कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला, बी किसको मिला, सी किसको मिला, इसका सीधा सीधा जो लिंक है ना वो बिजनेस कम्युनिटी के साथ जुड़ता है। इसलिए आलोक सर से एक सवाल, में बिजनेस कम्युनिटी की बात कही है, आलोक सर अगर पिछले 2017 से लेकर 2022 तक अगर कॉरपोरेट्स ने ज्यादातर संख्या में BJP को जो है फायदा पहुंचाया, तो इन कॉरपोरेट्स की तो ये कोशिश होगी कि BJP ही आम चुनाव में जो है जीत हासिल करे, तभी उनको कुछ फायदा होगा क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर लगाया है। इस सवाल का क्या आकलन है आपके पास? मुझे लगता है कि इस सवाल का आकलन आपको मोमेंटम से मिलता है। मोमेंटम इस समय किस डायरेक्शन में चल रहा है। कॉर्पोरेट एक ऐसा है कि कॉर्पोरेट दाहिने हाथ से किसी को देता है तो बायां हाथ पीछे करके किसी दूसरे को भी चंदा देता आया है। ये हमेशा हर कॉर्पोरेट का पूरी दुनिया में यही हिसाब है। तो सामने वाले को जब वो हाथ से देते हैं तो वो बड़ा खुश होता है कि हमको दे रहे हैं, लेकिन वो पीछे भी देता है। उदाहरण के तौर पर अगर वो किसी ए पार्टी को अगर वो 10 करोड़ देगा तो वो बी पार्टी को भी वो 50 लाख तो देगा ही देगा, ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल ही ना चंदा दे। अब सवाल है, वही मैंने कहा कि मोमेंटम, कॉर्पोरेट सबसे तेजी के साथ वोटर्स का मिजाज भांप लेते हैं, वो सारी चीजें समझ लेते हैं।
है ना। अब आप देखिए मंदी की खबरें हम लोगों के पास अब आ रही हैं, लेकिन तमाम बड़े कॉर्पोरेट्स ने ये मार्च अप्रैल के समय से ही उन्होंने राइट साइजिंग चालू कर दी। आजकल डाउन साइजिंग तो कोई बोलता ही नहीं है ना, राइट साइजिंग चालू कर दी, तमाम एम्प्लॉय को फायर कर दिया गया, पिंक स्लिप पकड़ा दी गई। तो यानी उनको पहले से अंदेशा होता है। तो इसलिए मान के चलिए कि कॉर्पोरेट का मिजाज बदलता है, बिल्कुल बदलता है। आप अगर आप केवल चंद कॉर्पोरेट को ही अगर आगे बढ़ाएंगे तो बाकी बड़ा कॉर्पोरेट है उसका बाया हाथ कहाँ किसकी जेब में चंदा पहुंचा रहा है, इसका आप अंदाज इतनी जल्दी आसानी से नहीं लगा सकते। लेकिन मिलेगा जरूर, ऐसा नहीं हो सकता आप कितने भी ऑटोक्रेसी हो कि केवल एक ही आदमी कुछ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, समय समाप्त हो गया, आपने समय निकाला और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। आलोक सर आपका भी बहुत बहुत आभार, और अजय जग्गा जी आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने वक्त निकाला और स्ट्रेट टॉक पर दर्शकों के सामने अपनी बात रखी। और अब दर्शकों से अनुरोध है कि आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपना फीडबैक अवश्य भेजें info@justbroadcasting.com पर, और neha@justbroadcasting.com पर ही आप अपना ईमेल भेज सकते हैं। दोबारा होगी मुलाकात, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।